हेलो गाइस, तो जैसा कि अब हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो अब हम लोग ओपन कर लेते हैं एडोब प्रीमियर प्रो 2020। और जैसा कि ओपन हो चुका है, जहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का हम नाम रखते हैं ग्रीन स्क्रीन चेंज। यहाँ से हम इम्पोर्ट करते हैं अपनी ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो को, जिसके ऊपर हम लोगों ने अपना इफेक्ट अप्लाई करना है। तो गाइस, ये वीडियो आ चुकी है हमारी इम्पोर्ट होकर। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन स्क्रीन पर शो हो रही है वीडियो, इसको हम लोग यूज कर देते हैं। तो गाइस, ये आप अपने लेफ्ट साइड के ऊपर देखेंगे तो इफेक्ट्स का एक बॉक्स आ रहा होगा। यहाँ से अब हम लोग सर्च करेंगे अगर हम टी वी देखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगी अल्ट्रा की। अल्ट्रा की को हम लोग पकड़ के इफेक्ट को अपनी वीडियो के ऊपर अप्लाई कर देंगे। गाइस, जैसे कि आप अप्लाई करेंगे, साथ ही आपके पास एक पैनल ओपन हो जाएगा इफेक्ट कंट्रोल्स का। इफेक्ट कंट्रोल्स के अंदर जाके आप लोगों ने जिस कलर के ऊपर सेलेक्ट करना है, यहाँ से हम कलर ड्रॉप को पकड़ेंगे और उस कलर के ऊपर इफेक्ट क्लिक कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्लिक कर दिया और मेरे बैकग्राउंड में अभी भी ग्रीन कलर बिल्कुल पूरी तरह से रिमूव नहीं हुआ है। तो अब हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में जाएंगे और यहाँ से हम लोग अग्रेसिव को पर क्लिक कर देंगे। जैसा कि देख सकते हैं कि कुछ पहले से बेटर है, लेकिन इसको हम और मज़ीद बेटर कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि ये मेटल जनरेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग अपनी वीडियो के स्क्रीन को और बेटर तरीके से रिमूव कर सकते हैं। आपको जहाँ पर जिस पॉइंट के ऊपर अपनी ग्रीन स्क्रीन को बेटर आपको लग रहा हो कि आप रिमूव हो रही है, तो उसको आप वहाँ पर उस पॉइंट के ऊपर आप छोड़ भी सकते हैं। तो गाइस, मुझे लग रहा है कि मेरा ग्रीन स्क्रीन जो है इस टाइम कंप्लीट तरीके से रिमूव हो चुकी है। तो अब हम देख के आते हैं मेरे बैकग्राउंड वीडियो को, और हम लोगों ने इम्पोर्ट कर लिया अपनी बैकग्राउंड वीडियो को, और अब हम अप्लाई कर देंगे इसको स्क्रीन ऊपर। तो जैसा कि गाइस देख सकते हैं, अगर हम लोगों ने एक इम्पोर्ट किया है बैकग्राउंड को, तो अब हम उसके ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। गाइस, आप लोगों ने एक चीज़ को ज़रूर नोटिस करना है कि अगर आपके बैकग्राउंड वाली वीडियो टाइमलाइन के ऊपर पड़ी हुई है, तो कभी भी उसको मतलब ये चेंज नहीं करेगा बैकग्राउंड को। तो हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारी वीडियो है ग्रीन स्क्रीन वाली, हमने उसको ऊपर करना है, और जो हमारा बैकग्राउंड है उस वाली उससे हम नीचे वाली लेयर के ऊपर रखेंगे, ताकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम बैकग्राउंड के ऊपर हमारा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो गाइस, ये देखें, और ग्रीन स्क्रीन भी कम्प्लीट तरीके से हमारी रिमूव हो चुकी है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपने बैकग्राउंड को किस तरह आसानी से चेंज किया एडोब प्रीमियर के अंदर। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो लाइक का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट।